नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं वो ताइवान से आ रहे हैं, जहां पर आज सुबह रिक्टर स्केल पर 7.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वहां पर आया था और उसके पश्चात आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए, जिसमें अलग अलग मैग्नीट्यूड के आफ्टर शॉक्स आए, जिसमें एक 6.5 की तीव्रता का था यानी कि 6.5 मैग्नीट्यूड का, एक तकरीबन 5.5 की मैग्नीट्यूड का, एक तकरीबन 4.5 की मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया हुआ था, जिसके चलते आप जैसे कि इन दृश्यों में देख सकते हैं वहाँ पर सभी सुविधाएं और सभी व्यवस्थाएं ठप हो गई हैं, कई सारे बिल्डिंग्स गिर गई हैं और साथ ही में ये भी बताया जा रहा है कि अभी तक 9 लोगों की मौत हो गई है और कई सारे लोग मलबे में फंसे हुए हैं। सुनामी अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, खास करके जापान के कोस्टल रीजन्स में और उसके नज़दीक में जो भी दूसरे देश लगते हैं उन सभी के लिए वार्निंग जारी कर दी गई है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि ये नंबर कितना ऊपर जाता है, जो डेथ काउंट है वो, क्योंकि जिस तरह से तबाही देखी जा सकती है उस हिसाब से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ हो ऐसा दिखाई पड़ता है। साथ ही में ये भी बताया जा रहा है कि इससे जो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है उसमें भी आने वाले समय में काफ़ी ही बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है, खास करके रेट्स को लेकर और सप्लाई को लेकर। तो जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।那个瓦斯欸，有瓦斯欸。